तब एक रुबाई पेश करता हूं। अर्ज क्या है कि जुम्बिश जो कलम की है रवानी मांगे, जुम्बिश जो कलम की है रवानी मांगे, हर लफ्ज मफाहिमो मानी मांगे, हर लफ्ज मफाहिमो मानी मांगे, और देखे तो कोई आके सरे नहर कमाल, देखे तो कोई आके सरे नहर कमाल, दरिया भी अलमदार से पानी मांगे। जुम्बिश जुम्बिश जो कलम की है रवानी मांगे, हर लफ्ज मफाहिमो मानी मांगे, देखे तो कोई आके सरे नहर कमाल, दरिया भी अलमदार से पानी मांगे, दरिया भी अलमदार से पानी मांगे। और ये शेर हाजिर कर, ये एक मतलब एक शेर है हाजिर करता हूं कि अजाए शह से कामयाब, बेटा सुन लीजिए कि अजाए शह से जिन्हें इख्तलाज होता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अजाए शह से जिन्हें इख्तलाज होता है, समझ लो उनका मर्ज ला इलाज होता है। अजाए शह से जिन्हें इख्तलाज होता है, समझ लो उनका मर्ज ला इलाज होता है, और शेर सुनने के समझ लो उनका मर्ज ला इलाज होता है, और ये ताजिया ये अलम ये लहू लहू मंजर, ये ताजिया ये अलम ये लहू लहू मंजर, ये सब खिलाफ सितम एहतजाज होता है। अजाए शह से जिन्हें इख्तलाज होता है, अजाए शह से जिन्हें इख्तलाज होता है, समझ लो उनका मर्ज ला इलाज होता है, और ये ताजिया ये अलम ये लहू लहू मंजर, ये ताजिया ये अलम ये लहू लहू मंजर, ये सब खिलाफ सितम एहतजाज होता है, ये सब खिलाफ सितम एहतजाज होता है, ये सब। अब ये भी चार मिनट से सुन लीजिएगा खासतौर से कि अमीरा अमीरे कुल का परस्तार बन गरीब न बन, अमीरे कुल का परस्तार बन गरीब न बन, तू अहले बैत का शायर है बदनसीब न बन, अमीरे कुल का परस्तार बन गरीब न बन, तू अहले बैत का शायर है बदनसीब न बन, और रजा रजा खिताबते आबिद से चुन ले लफ्जों को, रजा खिताबते आबिद से चुन ले लफ्जों को, जबां असीर की बन शाम का खतीब न बन, जबां असीर की बन शाम का खतीब न बन, जबां असीर की बन शाम का खतीब न बन, शाम का खतीब न बन। ये एक चार मिसरे हाजिर किया देता हूँ, खाली हालांकि बिल्कुल अलग के हैं, मगर अपने बच्चों को एक सबक सिखाना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक दर्स है, इसके अंदर पैगाम है, शायद बच्चे अगर समझ लेंगे तो शायद जिंदगी समझ जाए। मैं हाजिर करता हूँ, देखिए मतलब सुनाता हूँ, देखिएगा मौलाना, हाजिर करता हूँ कि तमाम रात हम एक आफ्ताब देखते हैं, तमाम रात हम एक आफ्ताब देखते हैं, नहीं नहीं हमें लगता है ख्वाब देखते हैं, यहाँ जब शेर सुनाता हूँ कि नहीं नहीं हमें लगता है ख्वाब देखते हैं, और इस एक फोन में कुरान भी है नगमे भी,
इस एक फोन में कुरान भी है नगमे भी, फरिश्ते सिर्फ मेरा इंतखाब देखते हैं, फरिश्ते सिर्फ मेरा इंतखाब देखते हैं, फरिश्ते सिर्फ मेरा इंतखाब देखते हैं। एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं अच्छा बस चार मिसरे हाजिर किए देता हूँ, बस उसके बाद से बंद करता हूँ। हमारे मेहमान शोहरा तशरीफ फरमा है कि मैं तख्ते हुकूमत का तलबगार नहीं, सुनिएगा बेटा, मैं तख्ते हुकूमत का तलबगार नहीं, मैं तख्ते हुकूमत का तलबगार नहीं, शब्बीर का मोहसिन हूँ मैं गद्दार नहीं, शब्बीर का मोहसिन हूँ मैं गद्दार नहीं, मैं तख्ते हुकूमत का तलबगार नहीं, शब्बीर का मोहसिन हूँ मैं गद्दार नहीं, और जालिम से अगर खून का बदला न लिया समझो कि मेरा नाम भी मुख्तार नहीं, जालिम से अगर खून का बदला न लिया समझो कि मेरा नाम भी मुख्तार नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। पहली मरतबा मैं भी आया हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि निजामत करूँ कि खाली शायर को बुलाऊँ, मगर फिर सोचता हूँ कि जितने नौजवान बैठे हैं वो तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं बहुत ज़्यादा लोग हों, आप बाकायदा सुन रहे हैं, शोरा इकराम की फहरिस्त भी थोड़ी है, बिल्कुल बिल्कुल जहाँ रहें वहीं बैठ के सुने मगर अच्छा सुने, पढ़ेंगे वो भी पढ़ेंगे मगर जहाँ रहें वहीं सुने मगर अच्छा सुन रहे हैं। इसी तरीके से महफिल सुनने का तरीका है, मगर मैं मेरा एक शिकवा है कि जितने लोगों को एवार्ड मिला था अगर उन्हीं के घर वाले अगर बैठे होते महफिल में तो बहुत ज्यादा लोग होते। आइंदा साल से इसका ख्याल रखा करें, जिनको अवार्ड मिले कम से कम वो अपने बच्चों को अपने घर वालों को महफिल में बैठा लें, है ना, कि जिससे महफिल में ही अवार्ड मिलता है, महफिल के सदके में अवार्ड मिलता है, ना कि अवार्ड के सदके में ये महफिल होती है। एक नारे सलवात पढ़े।